नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर यामिनी अगरवाल, फर्टिलिटी कंसल्टेंट इन नोवा आईवीएफ फर्टिलिटी सिलीगुड़ी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ बीएमआई ऑन फर्टिलिटी रेट्स। अब ये बीएमआई होता क्या है? बीएमआई एक तरह का कैलकुलेशन है जिसमें हम वेट को केजी में एंड हाइट को मीटर स्क्वायर में डिवाइड करते हैं, जिसे हमें पता चलता है कि आप अंडरवेट है कि ओवरवेट है। अंडरवेट ओवरवेट जानने के लिए हम सिर्फ वेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि टॉल पीपल विल वेट मोर। सो दिस इज द कैलकुलेशन विच गिव्स अस एन एक्यूरेट आइडिया कि आप ओवरवेट है कि अंडरवेट है। बीएमआई यूजुअली 18 से 24.9 के बीच में होना चाहिए। अगर आपका बीएमआई 18 से 24.9 के बीच में है, दैट मीन्स यू आर इन अ नॉर्मल रेंज बीएमआई। 18 से कम है, दैट मीन्स आप अंडरवेट है। 24.9 दैट इज 25 से अगर ऊपर है तो आप ओवरवेट है, एंड अगर 30 या उससे ऊपर है तो आप ओबेस कैटेगरी में है। देखा गया है कि जो नॉर्मल बीएमआई पेशेंट्स है उन्हें कंसीव करने में आसानी होती है, एंड टाइम टू प्रेगनेंसी भी उनके लिए कम होता है। टाइम टू प्रेगनेंसी माने कि जब हम कंसेप्शन के लिए ट्राई करना शुरू किए हैं एंड जब तक हम प्रेग्नेंट हुए हैं, वो टाइम पीरियड भी उनके लिए कम होता है। तो ओबेसिटी से क्या प्रॉब्लम होती है? अगर हम ओवरवेट होते हैं तो ये मेल्स एंड फीमेल्स दोनों के लिए ही प्रॉब्लमैटिक है। अगर हम फीमेल्स ओवरवेट होती है तो उनके हार्मोन का संतुलन खराब होता है, जिसके कारण उनके अंडे बनने में तकलीफ होती है, अंडे आसानी से नहीं बनते हैं एंड ओव्यूलेशन की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। एंड ओबेसिटी से और भी कई प्रकार के प्रॉब्लम्स होते हैं इन लॉन्ग टर्म, जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, कैंसर्स, ब्रेस्ट कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर, ये सब के भी चांसेस हो सकते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी ओबेसिटी से प्रॉब्लम्स आती है। प्रेगनेंसी में भी प्री टर्म लेबर होने के चांसेस होते हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सब के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर सपोज हम बहुत ज़्यादा अंडरवेट है, वो भी हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें भी हाइपोथैलेमस शट डाउन होता है, जिसमें हॉर्मोन्स का संतुलन खराब हो जाता है एंड पीरियड्स आने में दिक्कत होती है। मेल्स के लिए भी ये अच्छा नहीं है कि वे ओवरवेट हो, क्योंकि उनसे उनके स्पर्म की क्वालिटी व संख्या हैम्पर होती है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें प्रेगनेंसी आसानी से आए एंड अगर हम ओवरवेट है, तो डेफिनेटली ट्राई टू रिड्यूस योर वेट बाय अ हेल्दी लाइफस्टाइल, नॉट अ ड्रास्टिक रिडक्शन ऑफ वेट, बट फॉलो अ हेल्दी लाइफस्टाइल, अवॉइड स्मोकिंग, अवॉइड अल्कोहल, अवॉइड जंक फूड एंड डू सम हेल्दी एक्सरसाइजेस एंड मेंटेन योर वेट इन द नॉर्मल बीएमआई रेंज, ताकि आपको प्रेग्नेंट होने में दिक्कत ना हो। थैंक यू।